फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। तो स्क्रीन पर जो ये पैटर्न देख रहे हैं, इस तरह का चेक पैटर्न कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में, बहुत ही इजी, बहुत ही बेहतर तरीका, इतने शॉर्ट टाइम में कि आप 1 मिनट में ये पैटर्न बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाया जाता है इस तरह का पैटर्न। और आप सभी से मैं यहीं पे कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाले सभी ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं यहाँ पे फाइल में, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर साइज काफी छोटा रखना है। साइज हम लोग रखते हैं 40 बाई 40 का एक साइज रखते हैं, हाइट 40 रखते हैं, विड्थ हाइट कुछ भी रखते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली है। विड्थ 40, इसका मतलब है कि 20-20 पिक्सल का एक एक ग्रिड बनेगा मेरा। अभी इससे पहले जो आपको दिखाया था वो 20 पिक्सल का था, यानी कि 10-10 पिक्सल का एक एक ग्रिड बना हुआ था, उससे कोई खास दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद रिजोल्यूशन यहाँ पे 72 में रख रहा हूँ, आप 300 रिजोल्यूशन पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जस्ट ओके कर देते हैं। अब इसे जूम करते हैं इस तरीके से, कंट्रोल आर से रूलर ऑन होता है और रूलर यहाँ पर लगा लें सेंटर में। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर, ये जो ग्रिड होता है या ये जो गाइड होता है, इस गाइड को अब अगर आप लाते हैं, इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक पावर होता है, जब ये जैसे ये सेंटर पे आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रुक जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए आप जब इसे यूज करें तो ध्यान रखें कि जब छोटा करके यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से। दूसरा तरीका एक और भी होता है कि अगर आपको सेंटर लाना है, एग्जैक्टली सेंटर बनाना है, तो यहाँ से एक छोटा सा आप स्क्वायर बना लें ऐसे और कंट्रोल ए करके मूव टूल पे रहें और इसको सेंटर कर दें। ये सेंटर आ गया, उसके बाद इस गाइड को पकड़ करके ऐसे इसके सेंटर पर लेकर आ जाए इस तरीके से। ये छोटा वाला जो सेंटर है इसके सेंटर पर आप ऐसे लाकर मिला दें, तो ऑलमोस्ट ये सेंटर हो गया। तो सेंटर लाने का कई तरीके, ऑलरेडी ये 20 पिक्सल्स के हैं और उसके बाद भी ये छोटा सा डॉट है, इसके बाद भी हमने सेंटर किया है, तो एग्जैक्टली इससे बेहतर सेंटर और क्या हो सकता है। अब उसके बाद कंट्रोल डी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए हमें यहां से रेक्टेंगुलर मर्की टूल लेंगे और इसका सिलेक्शन करेंगे। इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया, 50% का सिलेक्शन करेंगे और यहां से कलर पिक कर लेंगे, कोई भी कलर यहां पे ला करके फिल कर देंगे आप। फॉर एग्जांपल मैं यहां से अगर ये ग्रीन कलर में अगर फिल करता हूं, ये लाइट ग्रीन थोड़ा सा ऐसा, ये वाला डन, और इसमें फिल कर देते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस से फिल हो गया। अब इसी सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करें माउस से और सिलेक्ट इनवर्स कर दें, तो ये इस तरफ का इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर से कलर पे क्लिक करें और इस बार हम लोग कलर जो फिल करेंगे वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन फिल करेंगे, या फिर कोई दूसरा भी कलर फिल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वही फिल करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पिंक कलर ही यूज करना चाहता हूँ, ये पिंक कलर, ठीक है। इसको ऑल्ट बैक स्पेस से इसको भी फिल कर लिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आर से रूलर हटा लेंगे, कंट्रोल एच से ये जो गाइड है इसको भी हटा लेंगे। अब उसके बाद आपको आना है एडिट में, यहाँ पे एडिट में आ जाए और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे पैटर्न का कोई भी नेम डाल दें। पैटर्न 12 मैंने नॉर्मली जो है डिफॉल्ट वही भी रख रहा हूँ, आप कोई भी नेम यहाँ पे फाइंड कर सकते और ओके कर। ये मेरा पैटर्न तैयार हो गया, अब आप इसे हटा लें, इस डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से एक न्यू फाइल ओपन करें और इस बार फाइल की साइज हम लोग ज्यादा रखेंगे। इस बार फाइल की साइज मैं रख रहा हूँ 1400 या थोड़ा सा कम करके ही रखता हूँ, 1300 जो स्क्रीन की साइज हो ऑलमोस्ट वही रखें, और 700 इसको रख रहा हूँ और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो साइज बनी है इस पे डबल क्लिक करेंगे, ओरिजिनल जूम साइज पे मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है फिर से एडिट में और यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल का, देख रहे हैं, इसका शॉर्टकट होता है Shift+F5, ये भी याद रखेंगे Shift+F5, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आपको आना है यहाँ पे पैटर्न में, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम पैटर्न कौन सा रखना चाहते हैं इस पे क्लिक करें, तो ये हमने बनाया था तो इस पे पैटर्न नंबर 12 है, इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये सेट हो गया। अब उसके बाद मोड को यहाँ नॉर्मल रखें, ओपेसिटी 100% रखें और जस्ट ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे ये पैटर्न फिल हो जाएगा, नॉर्मली ये पैटर्न फिल हो गया। अब उसके बाद इसकी एक कॉपी बना लें, कंट्रोल जे से एक कॉपी बना लिया और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको रोटेट करा देंगे ऐसे, शिफ्ट प्रेस करके कराएंगे तो सीधी लाइन रोटेट होगी। रोटेट हो जाने के बाद अब इसके इस बॉन्डिंग बॉक्स पे आ जाएंगे और ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे फुल, यहाँ तक फुल हो गए और ओके कर देंगे। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दीजिए आप, फिर देख कैपेसिटी और कम करेंगे और अच्छा लगेगा देखने में, कैपेसिटी और कम करेंगे इतना अच्छा लगेगा देख। तो इस तरीके से एक चेक पैटर्न बना लिया। अब आप डबल क्लिक करके देखेंगे ये पैटर्न आपके सामने है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से किसी शर्ट का पैटर्न आप चेक ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही यूनिक तरीका है फ्रेंड, इसे आप यूज करिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, 2-3 बार याद हो जाएगा अच्छे से। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आप सभी के लिए, लेकिन काफी हेल्पफुल रहा होगा आई थिंक, इसे प्रैक्टिकल करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।